दिल्ली के गरीब बस्तियों को किस तरह से ढका गया, किस तरह से तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद गरीबों को आप एकदम दबाए चले जा रहे हैं और किसी को सोने और चांदी के थाली में भोजन करा रहे हैं। ये तानाशाही है, मोदी जी का तानाशाही है। G20 का जो कार्यक्रम हुआ उसमें विदेश से आए तमाम लोगों को चांदी और सोने के बर्तन में खाना खिलाया गया। क्या ये अच्छा है? मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये अच्छा है? एकदम ये चीज़ तो एकदम सरासर गलत है, अगर होना भी नहीं चाहिए। अगर जनता राजा बना दिया है तो जनता गरीबों को देखना चाहिए कि राजा खुद सोने और चांदी में खाए। आपने देखा दिल्ली के गरीब बस्तियों को किस तरह से ढका गया, किस तरह से तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद गरीबों को आप एकदम दबाए चले जा रहे हैं और किसी को सोने और चांदी के थाली में भोजन करा रहे हैं। ये तानाशाही है, मोदी जी का तानाशाही है। आप देखिए रोज कुछ ना कुछ संशोधन कर रहे हैं, महिला बिल वो आया, आरक्षण का वो आया, उस पर कहीं से कुछ क्लियर हुआ? एकदम नहीं हुआ, अच्छा नहीं हो पा रहा है। वो कह रही है चुनाव के बाद उसमें कोटे में कोटा की मांग कर रहा है विपक्ष जी, एकदम कर रहा है। OBC कोटा क्या होगा? हाँ, उसको क्लियर लाभ उठा पाएंगे OBC महिलाएं कि नहीं उठा पाएंगे, दलित महिला, ये सब बातें। लाभ तो होना ही चाहिए ना, उसका तो अलग कोटा होना चाहिए, आपको लगता है? एकदम होना चाहिए। नहीं, ये तो सरासर गलत है, ये ठीक नहीं। इससे मैं आम जनमानस में या कोई संतुष्ट नहीं है इनकी, इस कार्य से, मोदी जी के जो कार्य